हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? अयोग्य मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स ये देख पा रो, यामाहा का ZR है, BS4 मॉडल। ठीक है फ्रेंड्स, ये BS4 मॉडल है। तो फ्रेंड्स इसमें एक दिक्कत आ रहा है, सामने से जो आवाज आ रहा है ना ब्रेक के पास से, तो एक खस 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 का आवाज आ रहा है। चलिए हम देखने वाले तो किस चीज का आवाज है, देख पा रहे हो फ्रेंड्स? मैं इधर से दिखा दूं, थोड़ा सा सुन पा रहे हो? जैसे कि एक आवाज आ रहा है जब चल रहा है गाड़ी, काफी ज्यादा आवाज आ रहा है, तो सुन पा रहे हो फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये जो साउंड आ रहा है आगे से आ रहा है, और जो डिस्क प्लेट है फ्रेंड्स, देख पा रहे हो हालत क्या हुआ है? बहुत बुरी तरीके से हालत हो गया इसका। तो हम ये जो कैलिपर है ना फ्रेंड्स, ये हम खोल के देखने वाले हैं क्या हालत है। वैसे तो मुझे पता चल रहा है डिस्क पैड जो होता है वो खराब हो चुका है, बिल्कुल घिस चुका है। तो हम खोलेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे और बढ़िया से हम क्लीन करके फिटिंग करेंगे। चलिए पहले क्या करते हैं, खोलते हैं इसको, खोल के फिर देखते हैं क्या हालत है इसका। और दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बढ़िया से नॉलेज देने वाला हूँ, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किए हो तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, पहले इसको लूज कर लेते हैं हल्का सा, जो 8 mm की जो बोल्ट लगा हुआ है जिसमें डिस्क पैड फिट होता है, उसके बाद इन दोनों को हम खोलेंगे, 12 mm की बोल्ट को जिसमें कैलिपर फिट होता है। चलिए लूज कर लेंगे दोनों को, उसके बाद आराम से खोल लेंगे। चलिए खोल लेता हूँ, थोड़ा सा टाइट है फ्रेंड्स, खोल गया फाइनली। चलिए देखते क्या है। बाहर आ रहा है जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा टफ है क्योंकि स्कूटी का है, बिल्कुल हल्का सा है। अच्छा, पैड भी बुरी तरीके से घिस चुका है पूरा। तो अगर आपका गाड़ी में ऐसे दिक्कत आ रहा है ना कि साउंड आ रहा है खस 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 का, फिर क्या चेक करना, डिस्क पैड ही चेक करना। चलिए खोलते हैं और देखते हैं। अगर डिस्क पैड अगर नहीं चेंज करवाओगे, रिप्लेसमेंट नहीं करवाओगे, तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये प्लेट होता है ना, ये डिस्क प्लेट बहुत जल्दी घिस जाता है, क्योंकि इसके अंदर में लोहा का पत्ती होता है, लोहा निकल जाता है, फिर इसमें घिस के बहुत ही जल्दी इसको कट देता है। चलिए इसको खोलते हैं और बिल्कुल डिटेल्स में जानते हैं क्या कैसे चेक करना चाहिए और कैसे समझना चाहिए। देख पा रहे फ्रेंड्स, ये जो है लोहा निकल गया इस तरीके से, और जब हम डिस्क लगाते हैं ना, ये इस तरीके से चिपक जाता है, बिल्कुल आराम से इस जगह पे चिपक जाता है। ठीक है, तो इस साइड का और भी ज्यादा बुरी हालत है, देख पा रहे फ्रेंड्स। चलिए और देखते हैं, ये जो है ना फ्रेंड्स, ये भी काफी जाम हो रखा है, इसको भी इजी करना चाहिए, खींच के देखते हैं निकलता है या नहीं, काफी जाम हो रखा है जैसे कि देख पा रहे हो, नहीं निकल रहा है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा चोट मारना होगा। चलिए आराम से चोट मारते हैं फाइबर की हथौड़ी से, चलिए फाइनली निकल गया फ्रेंड्स। और ये जो पिस्टन है ना फ्रेंड्स, काफी जाम हो रखा है, इसको भी बहुत टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए, जैसे कि देख पा रहे हो ये बिल्कुल गंदगी भरा हुआ है, इसमें काफी गंदगी भरा हुआ है, इसको क्लीन भी करना चाहिए बढ़िया से। चलिए इसको और थोड़ा पिस्टन को निकालते हैं, निकालने के बाद बढ़िया से क्लीन करते हैं और नया डिस्क पैड ले आते हैं और फिट करते हैं, बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये जो पिस्टन देख पा रहे हो, काफी अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर चुका है हमने, जितना हो सके कर दिया, और ये पिस्टन भी काफी निकाल के किया है, और ये घूम भी नहीं रहा, काफी जाम है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको अंदर की तरफ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंदर हुआ और ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि टेढ़ा जैसा हो गया, थोड़ा सा पता लग रहा है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, जो ऑयल है ना यहाँ से, ऑयल को जो नट होता है थोड़ा सा हम खोल लेंगे और ऑयल को बाहर की तरफ कर देंगे, थोड़ा सा निकाल देंगे ऑयल, और फिर क्या होगा, कंप्रेसर डाउन हो जाएगा, फिर ये अंदर की तरफ चल जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए वो हम देख लेते कैसे होता है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, जब इसको मैं अंदर की तरफ करने गया था, मतलब अंदर की तरफ जब मैं कर रहा था, तो काफी जाम लग रहा था, तो अंदर भी नहीं हो रहा था, जो यार मतलब ये जो नट है इसको खोल के मैं अंदर की तरफ कर रहा था, फिर भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा एक बार खोल के बढ़िया से इसको क्लीन कर दूं, तो फिर मैंने बढ़िया से ऊपर से ऑयल डाल के बढ़िया से मैं क्लीन कर दूं एक बार। चलिए इसको खोलते हैं, ठीक है, खोलने के बाद फिर देखते हैं कितना गंदा है इसके अंदर में। फ्रेंड्स फाइनली बाहर आ गया पिस्टन हमारा, इसमें सिंगल पिस्टन होता है, और कितना गंदा आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, जो इसका ऑयल है, और ये जो पिस्टन है कितना भी जाम है, तो इसको बढ़िया से क्लीन करना है, उसके बाद हम लगाएंगे तो और भी ब्रेक बढ़िया से इजी काम करेगा। चलिए बढ़िया से इसको क्लीन करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो, इसको मैंने बढ़िया से क्लीन भी कर दिया था, जो रिंग होता है रिंग को निकाल के, और बहुत ही आसानी तरीके से ये डाल चुका है अंदर में। ठीक है,
तो क्या होता है जब कभी गंदगी वगैरह भरा होता है ना, उस टाइम काफी दिक्कत होता है अंदर की तरफ डालने में। तो वजह से क्लीन करने के बाद मैंने डाल दिया, तो बहुत ही आसानी तरीके से डाल गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब बहुत अच्छी तरीके से इसको ये सब क्लीन करके फिट करते हैं बिल्कुल आराम से और कंप्रेसर बनाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये जो सड़क है, सड़क को बढ़िया से क्लीन करना चाहिए। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, ये जो सड़क होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको क्लीन करना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो कंप्रेसर भी बन गया है। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से पिस्टन जो है थोड़ा सा निकल चुका है और ये हमारा बहुत अच्छी तरीके से फिट हो गया। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं आराम से। फ्रेंड्स इसमें कंप्रेसर तो बन चुका है और हमने क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से इसको भी क्लीन किया। क्लीन करने के बाद जितना भी ऑयल था, पुराना ऑयल, उसको भी हमने निकाल दिया पूरा। अब क्या करना है, अब और थोड़ा सा कंप्रेसर बनाना है जो कि अपनी जगह पे बैठ जाए डिस्क पैड। ठीक है, और हम क्या करेंगे, कस देंगे यहाँ से और थोड़ा सा ऑयल डाल के। देख पा रहे हो ऑयल बिल्कुल भी गंदा नहीं है। चलिए, और दोस्तों ये जो है सिग्नल यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे कि पहले क्या था, काला हो गया था, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए कंप्रेसर बनाते हैं इसको। फाइनली हो चुका है और इसका कंप्रेसर भी बिल्कुल बन चुका है, जैसे कि मैं दिखा दूं। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो इसका कंप्रेसर जो है काफी अच्छी तरीके से बन चुका है इसका कंप्रेसर। ठीक है, थोड़ा सा जाम रहेगा अभी, बिल्कुल नहीं हुआ है, और इसका जो प्लेट है वो घिस चुका है। ठीक है, और कंप्रेसर भी बिल्कुल बन चुका है, कोई परेशानी नहीं हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में फ्रेंड्स।